चलो। नमस्कार बंधुरा, आमार चैनेले सबाइके स्वागत जानाई। एखन बाजे दुपुर 12:30। आज के आम्रा पाड़ी दिलाम मुम्बाइर बोरीभालीर बहु प्राचीन हिंदू मंदिर मंडपेश्वर गुहाय। गुहाटी बोरीभालीते अवस्थित हलेও बोरीभाली स्टेशनेर तुलनाय दईसा स्टेशनेर काछाकाछि 1.2 किमी दूरत्वे अवस्थित। दईसा स्टेशन थेके पाए हेटे बा मीटार अटोते करे एई मंदिरे पौंछे जेते पारेन। एखन आम्रा पौंछे गेछि मंडपेश्वर गुहाय। एई गुहाटीते कोनो प्रवेश मूल्य नेई। आज त्रिपुरारी पूर्णिमार दिन। प्रति बछर आजकेर दिने प्रचुर प्रदीप दिए गुहागुलिके सज्जित करा हय। मंडपेश्वर नाम अर्थ हल मंडपेर ईश्वर। ये गुहा प्राक ऐतिहासिक जुगेर एक भवन काठामोर अवशेष। मंडपेश्वर गुहा हल शिव के उत्सर्ग करा एक अष्टम शताब्दीर शिलाकाटा मंदिर। गुहागुली प्राय 1500 थेके 1600 बछर पुरानो। गुहागुली मूलत बौद्ध सन्यासीदेर द्वारा काटा हयेछिल। भारतेर बेशिरभाग प्राथमिक शिलाकाटा मंदिर एवं शिलाशिल्प बौद्ध भिक्षुराई तैरी करेछिल। मंडपेश्वर गुहा 3टी गुहा निये गठित। प्रथम 2टी गुहाई प्रधान। एखाने भगवान शिवेर एकटी सुंदर मंदिर आछे। एई गुहाय नटराज सदाशिवेर भास्कर्य एवं अर्धनारीश्वरेर एकटी भास्कर्य रयेछे। एटिते गणेश ब्रह्मा एवं विष्णुर मूर्तिओ रयेछे। एई काजगुली हिंदू देवदेवीर पौराणिक कहानी चित्रित करेছে। गुहागुलिকে প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তাই গুহাগুলি আইনের অধীনে সুরক্ষিত। এই মন্দিরটি পর্তুগিজদের লক্ষ্যবস্তু ছিল। তারা গুহার মন্দিরের উপর একটি মঠ ও একটি গির্জা প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের উপরে জোর দিয়েছিল। কিন্তু 18 শতকে বাসিনের যুদ্ধে মারাঠারা পর্তুগিজদের পরাজিত করে এবং তারা আবার পাথর কাটা ভাস্কর্য উন্মোচন ও পুজো শুরু করে। আবার 18 শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশরা মারাঠাদের পরাজিত করে গুহাগুলিতে খ্রিস্টান উপাসনা শুরু করে। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর গির্জাটি বেহাল হয়ে পড়ে এবং গুহাগুলি ধীরে ধীরে শিবের উপাসনায় ফিরে আসে। মণ্ডপেশ্বর গুহাগুলিতে সম্ভবত समस्त मुम्बई गुहागुलिर मध्य सबथेके उत्ताल इतिहास रयेछे। देवाले सेई इतिहासेर दाग एखोनो बर्तमान। एबार आमरा जेने नेब मंदिरेर एकजन सेवकेर थेके एई मंदिरेर इतिहास। आप यहाँ पर अभी मंडपेश्वर गुफा मंदिर में है। ये प्राचीन गुफा मंदिर है और इस गुफा मंदिर में इसका जो इतिहास है उसकी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। ये पांडवकालीन गुफा है। यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि पांडव भी यहाँ पर अज्ञातवास में कुछ दिन यहाँ पर इस गुफाओं में रहकर गए हैं और मूलतः ये शिव जी की गुफा है। भगवान शिव का मंदिर है उस तरफ और यहाँ पर नटराजन का दिव्य स्वरूप है। 1969 में लोगों के सामने आई। दरअसल क्या था कि पुर्तगालियों ने क्या किया था कि ये गुफा को चर्च का रूप दे दिया था। ये जो सामने आप खम्भे देख रहे हैं, ये खम्भे इन्होंने खम्भों के आगे एक दीवार लगा दी थी। दीवार लगा देने से ये हुआ कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये गुफा मंदिर है। एक मिनट इधर आइए। ये यहाँ पर उन्होंने हमारी वरुण देव की मूर्ति थी, उसको तोड़कर क्रॉस कर दिया। हाँ, ये क्रॉस बना के रखा हुआ है। ऊपर देखिए, ऊपर अपने ही मूर्तियाँ दिख रही हैं। आगे देखेंगे वहाँ पर भी वही हाल किया है इन्होंने, पूरी मूर्तियाँ तोड़ दी हैं। तो इस तरह से उन्होंने इसको चर्च का स्वरूप बनाने, क्योंकि ये दीवार लग गई, इधर दीवार हो गई, इससे पता ही नहीं चला कि ये मंदिर है कि गुफा है। अब गुफा के जब 1969 में ये हुआ कि ये दीवार जो थी, ये खंभों को लग के जो दीवार थी वो अपने आप टूट गई किसी कारणवश, क्योंकि कमज़ोर दीवार रही होगी, कुछ रहा होगा, वो टूट गई, जिससे कि यहाँ की बोरीवली की जनता को पता चला कि यहाँ पर एक मंदिर है। अंदर से ये आप देख रहे हैं सामने गर्भगृह है, वो शिव मंदिर है, भगवान शिव के शिवलिंग है, नंदी बैल है। तो ये शिव मंदिर, और ये नंदी जो ये नंदी था, ये उन्होंने तोड़कर इधर गुफा है, इधर कुआं है, कुएं में डाल दिया था। ये कुएं से नंदी को भी निकाला बोरीवली के लोगों ने, और यहाँ पर एक सांप्रदायिक, ये कुआं इधर सांप्रदायिक माहौल, तनाव हो गया था, माहौल बिगड़ रहा था। तो प्रशासन ने बड़े मुस्तैदी से, बड़ी सब अपने होशियारी से ये इसको कंट्रोल किया, और जिससे कि बोरीवली में ये सब अच्छा काम हुआ। अब 1969 के बाद इस धरोहर को, प्राचीन धरोहर को, क्योंकि ये इस गुफा में चिमाजी अप्पा भी आके गए हैं, और बाजीराव के जो चेले थे वो भी आके गए हैं, और इस गुफा का कनेरी केव्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन था। अभी तो नहीं है। यहाँ से ही अंदर गर्भगृह के आगे एक कक्ष है, उस कक्ष के अंदर से कनेरी केव्स तक वो रास्ता था, लेकिन वो रास्ता अभी बंद हो गया, क्योंकि कालांतर में धीरे धीरे वो रास्ता भी बंद हो चुका है। यहाँ ऊपर छत के ऊपर, वहाँ से कैनेरी केव से और इस गुफा से जब युद्ध काल होता था तो मशाल से एक दूसरे को सिग्नल दिया जाता था, जिससे कि पता चलता था कि दुश्मन यहाँ पर आया है, क्या करना है। वो एक ऊपर जो है वो दरअसल चर्च ने इसके ऊपर एंक्रोचमेंट किया हुआ है, अनऑथोराइज कब्जा है, और उसके ऊपर ये कब्रिस्तान बनाया हुआ है, तो वहाँ पर उनके मुर्दे दफन करते हैं। लेकिन जब 69 में हमको पता चला, तो हमने फिर इधर ये कि गुफा को किस तरह से संभाला जाए कि ये विधर्मियों के या कोई हिंदू विरोधी कोई इस पर फिर से और ज़्यादा एंक्रोचमेंट नहीं कर पाए। तो उसमें हमने यहाँ पर फिर साल में 3 उत्सव करते हैं। एक ये आज जो त्रिपुरारी पूर्णिमा है, त्रिपुरारी पूर्णिमा शिवजी ने जब त्रिपुर राक्षस का वध किया था, मारा था, तब उसके उपलक्ष्य में ये त्रिपुरारी पूर्णिमा मनाई जाती है, जो दीपावली के बाद की जो पूर्णिमा है उसके बाद की पूर्णिमा मनाई जाती है। एक सावन मास में लघु रुद्र होता है, वहाँ पर लघु रुद्र के समय बहुत बड़ी कांवड़ यात्रा आती है। ये हमारे मित्र राजेश जी हैं, ये उस कांवड़ यात्रा का बहुत ही सफलता से संचालन करते हैं। नेशनल पार्क से जल लेकर यहाँ पर जलाभिषेक किया जाता है, और महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, महाशिवरात्रि का उत्सव होता है। दोनों समय, महाशिवरात्रि और त्रिपुरारी के समय, यहाँ पर भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। हमारी जयश्री जी राजगोपालन, ये यहाँ पर उनके शिष्यों द्वारा साल में 2 बार, त्रिपुरारी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन, यहाँ पर भरतनाट्यम का कार्यक्रम होता है। आज भी उनके शिष्यों द्वारा 2 घंटे का भरतनाट्यम का कार्यक्रम है। बोरीवली की जनता इसमें खूब भाग लेती है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। कम से कम इस उत्सव को सफल करने के लिए 200 से 250 कार्यकर्ता लगते हैं। हजारों की संख्या में भक्तजन यहाँ पर आके दर्शन करते हैं। और पुलिस प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है। तो ये हर साल की तरह इस साल भी हम त्रिपुरारी पूर्णिमा का आयोजन कर रहे हैं। धन्यवाद। आमादेर भिडियोटी एखानेई शेष हलो। देखा हबे परेर भिडियोय अन्य कोनो यात्राय।